हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कशन करेंगे वेस्टलैंड रिकॉर्मेशन यानी कि वेस्टलैंड डेवलपमेंट पर। सिंपल सी बात है, हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले वेस्टलैंड होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टलैंड होता है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डिफाइन किया है कि डिग्रेड लैंड विच कैन बी ब्रॉट अंडर वेजिटेटिव कवर विद रीजनेबल एफर्ट एंड विच इज करेक्टली अंडर यूटिलाइज्ड एंड लैंड विच इज डिटेरियोरेटिंग फॉर लैक ऑफ अप्रोप्रिएट वाटर सॉइल मैनेजमेंट और अकाउंट ऑफ नेचुरल कॉजेज। यानी कि एक ऐसी जमीन जो किसी भी प्रकार से प्राकृतिक या फिर मानवीय कारणों की वजह से एक ऐसे क्षेत्र में कन्वर्ट हो गई है जिसमें किसी भी प्रकार से उसका यूज नहीं किया जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से यूज किया जाए तो शायद ये दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, और एक ऐसी लैंड होती है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो दो तरीके की होती है, एक वेस्टलैंड होता है और एक जो जिसको कभी भी और दूसरे काम में यूज कर ही नहीं सकते। तो वेस्टलैंड वही होती है, ठीक है, जिसको आप मैनेज करके और सही ढंग से बदल सकते हैं। तो वेस्टलैंड की कई सारी कैटेगरीज होती है, जिस प्रकार हमारा जो नेशनल वेटलैंड बोर्ड जो है उसने कुछ कैटेगरी डिसाइड की है, जैसे गलीड और रिवेनियन लैंड। यानी कि रिवेनियस लैंड का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो पानी के द्वारा बाढ़ के पानी के माध्यम से काट दी गई है, ठीक है, यानी कि कई सारी नालियां बना दी जाती है। बाढ़ का पानी जब बहकर जाता है तो नालियों के माध्यम से मुख्य रिवर में जाता है, जब मुख्य रिवर में जाता है तो ये नालियां, कई सारी नालियां बन जाती है जमीन पर, उसे ही बोला जाता है गलीड या रिवेनियस लैंड या अवनालिका अपरदित जमीन। दो तरीके की हो सकती है, मीडियम हो सकती है, डीप हो सकती है। यानी कि एक तो ऐसी जमीन जो शायद कम गहराई हो, नालियों की गहराई कम हो, और एक बहुत ज्यादा गहराई हो नालियों की। इसके अलावा स्क्रब लैंड होती है, और स्क्रब लैंड होती है कम दो टाइप टाइप की, एक तो होती है डेंस स्क्रब लैंड और एक होती है ओपन स्क्रब लैंड, यानी कि झाड़ झंखाड़ वाली भूमि जहां पर झाड़ियां उगी हुई हो, एक तो जहां झाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में आपस में जुड़ी हुई हो, और एक ऐसी जहां झाड़ियां बहुत दूर दूर हो। ऐसे ही वाटर लॉग्ड और मार्सी लैंड। मार्सी लैंड जो होती है एक्चुअली दलदली भूमि होती है, या हम कह सकते हैं कि जैसे आपने गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम सुना होगा, तो ये क्या होता है, यहाँ सेम जिसको हम बोलते हैं, सेम की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रखी है। तो सेम मतलब होता है कि जमीन में पानी की मात्रा ऐसी हो चुकी है कि अब जमीन किसी काम की नहीं रही है। दो तरीके की होती है, या तो परमानेंट वाटर लॉग्ड हो गई जिसमें पानी की कमी नहीं हो रही है और परमानेंट ही पानी भरा हुआ सा रहता है या दलदली सा रहता है, या फिर एक ऐसी सीजनल हो सकती है जो या बारिश के टाइम पे इस टाइम पर दलदली भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की भी कैटेगरी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सालिनिटी या एल्केनिटी की समस्या होती है मिट्टी में, तो ये जमीन में अगर लवणता और क्षारीयता की समस्या हो जाती है तो वो उत्पादन नहीं दे पाती है, और जब उत्पादन नहीं दे पाएगी तो वो भी बंजर भूमि कहलाती है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी कि करंट झूम, और एक होती है एबडेंट झूम। झूम कृषि में क्या होता है कि एक तो ऐसा क्षेत्र जो मतलब वहां पर खेती की गई थी और अब 5-6 साल तक खेती नहीं की जा रही है, तो एक तरीके से वो भी भूमि बंजर टाइप में, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा अंडर यूटिलाइज्ड या डिग्रेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट नोटिफाइड फॉरेस्ट इलाकों में ऐसी जमीन जो किसी काम में नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर खराब हो चुकी है जिसको मैनेज करना आवश्यक है। ग्रेजिंग लैंड, घास भूमिया जो डिग्रेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या फिर कोई प्लांटेशन क्रॉप में आती है, इस तरीके की जमीनें मतलब बिल्कुल खाली बंजर लैंड, ये होता है ओपन फॉरेस्ट वाली। एक होती है डेंस स्क्रब वाली और ये है ओपन स्क्रब वाली। इसी तरीके से कोस्टल सैंड हो गई, कोस्टल डेजर्टिक सैंड हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी माइनिंग वेस्ट लैंड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड है, बेरन रॉक है यानी पथरीली चट्टाने है, या फिर कोई ग्लेशियल चट्टाने भी हो सकती है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे जमीन को, इस तरीके की ये एल्कलाइन जमीन है ये वाली, और ये देख रहे होंगे आप स्क्रब जमीन है, किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं तो जो हमारा बंजर भूमि एटलस आता है ना, उसमें हम अलग अलग तरीकों से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो बंजर भूमि होती है उस बंजर भूमि को इन माध्यम में बदला जा सकता है, जैसे बिल्टअप एरिया में बदल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में बदल सकते हैं, क्रॉप लैंड में बदला जा सकता है, फैलो लैंड में बदला जा सकता है, भर्ती भूमि में प्लांटेशन किए जा सकते हैं, फॉरेस्ट ग्रास लैंड या वाटर बॉडीज वहां पर बनाई जा सकती है। इस तरीके से ये काम में आ जाती है जमीन, बंजर भूमि, ठीक है। तो वेस्टलैंड
हमारा जो एक एटलस जारी किया गया था सरकार के द्वारा 2019 में, जो एग्जैक्टली डाटा बेस्ड था 2015-16 के आंकड़ों पर, ठीक है। और इसमें क्लास डिफ्रेंशिएट किया गया था 2008 से 2015-16 को कि कितना चेंजेस हुआ है और कितना चेंजेस नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की बंजर भूमियों के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर कि कैसे बंजर भूमियां जो काम में नहीं आ रही है। तो वेस्टलैंड जो ये जारी किया जाता है, एक तो वेस्ट हमारा जो बंजर भूमि एटलस जो है ये जारी किया जाता है, एक तो इसरो के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, एक तो इसको याद रखना है। इसरो के साथ साथ नेशनल हमारा रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, सुदूर संवेदी केंद्र जो है, उसके साथ में ये आंकड़ा जारी किया जाता है इसरो के माध्यम से। ये जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये जारी करता है, इसरो की सहायता लेता है, लेकिन इसको इसने 5 बार जारी कर दिया है अब तक बंजर भूमि एटलस को। जैसे 2000 में जारी किया, 2005 में जारी किया, 2010 में जारी किया, फिर उसके बाद में 11 में हुआ, और अब 2019 में जारी हुआ। नवंबर 2019 में ये आंकड़े जारी किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी बंजर भूमि एटलस में जिलेवार, राज्यवार कई सारा वर्गीकरण भी किया गया है, राज्यों के बारे में फुल डिटेल समझाया भी गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं यानी कि बंजर भूमि को कम किया गया है, तो वो है राजस्थान, उसके बाद में यूपी, फिर बिहार। और अगर मैं ये कहूँ कि नेगेटिव चेंजेस आए तो हम कह सकते हैं कि ओडिशा, असम और तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना ओडिशा में सबसे ज्यादा बंजर भूमि बढ़ी है, फिर असम में बढ़ी है, तेलंगाना में बढ़ी है, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बंजर भूमि की मात्रा घटी है, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं बंजर भूमि एटलस के अकॉर्डिंग, तो 2008-09 में हमारी जो बंजर भूमि थी वो थी 56.60 मिलियन हेक्टेयर। उस समय देश की 17.21% भूमि बंजर भूमि में थी। 2015-16 में 55.76 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो 16.96 भौगोलिक क्षेत्र बदल गया, यानी कि 17.21 भौगोलिक क्षेत्र से 16.96% भौगोलिक क्षेत्र बंजर भूमि में हो गया, यानी कि कमी आई है। कमी आई है 0.84 मिलियन हेक्टेयर की, और कमी आई है 0.26% की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में जो कमी दर्ज की गई है बंजर भूमि में, ये बंजर भूमि में कमी दर्ज की गई है 4,803 स्क्वायर किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं 0.48 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को रूपांतरित किया गया है, तो ये भी हमें याद रखना है। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान से रिलेटेड भूमि की यहाँ पर मेंशन हो रखा है रिपोर्ट में, 4,803.56 स्क्वायर किलोमीटर में कमी आई है वेस्टलैंड में, ठीक है। मैक्सिमम डिक्रीज जो हुआ है वो हुआ है हमारे स्क्रब लैंड वाला, जो डेंस स्क्रब लैंड वाला इलाका था उसमें, ठीक है, 3,839 किलोमीटर का जो कमी है वो उसी में ही हुई है। फिर उसके बाद में ओपन स्क्रब लैंड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, इस पीरियड के दौरान ओपन स्क्रब लैंड तो बढ़ गया है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा जो कमी दर्ज हुई है वो कमी दर्ज हुई है आपकी लगभग लगभग हमने कई सारी कमी दर्ज हुई है। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टेबलाइज कर दिया हमने लैंड को, डेंस और ओपन स्क्रब को और इनको, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बस ये याद रखना है। जो डिस्ट्रिक्ट है डिक्रीज इन वेस्टलैंड एरिया 1,034 स्क्वायर किलोमीटर बीकानेर, स्पेशली बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान में भी, तो आपको ये बीकानेर का भी याद रखना है। लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स अगर हम देखते हैं ना, तो लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो ये बैरन लैंड है या बंजर भूमि है या वेस्ट लैंड है, ये आती है आपकी 6.95%, इसके अकॉर्डिंग, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए ये आपके सामने फोटो है किस तरीके से हमारे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्ट लैंड का 2015-16 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, जो 2019 में जारी किए गए हैं, ठीक है। जैसे आप गलीड और रिवेनियस लैंड की बात करोगे तो ये इस इलाके में आएगी आपके, ये पिंक देख रहे हो आप, ठीक है, ये पिंक इलाका, ये पिंक इलाका, ये यहाँ पर, ये तो डेंस स्क्रब लैंड वाला इलाका है, ये गलीड वाला इलाका है, ये सारा गलीड वाला इलाका आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करोगे तो ये ओपन फॉरेस्ट इस इलाके में मिलेंगे आपको। वाटर लॉग्ड और मार्शी लैंड की बात करोगे तो वाटर लॉग्ड और मार्शी लैंड में आपको ये वाला इलाका देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो वाटर लॉग्ड है और मार्शी लैंड में आते हैं। इस तरीके से हमारे क्लासिफिकेशन हो रखा है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और कमेंट में हो सके तो जवाब जरूर देना, ठीक है, पॉज करके वीडियो को।
पढ़ना है। धन्यवाद।